नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इंशाल्लाह बोला लखी रावत। और आज जा रहा हूँ मैं, मतलब जैसे डेली जाते हैं हम घूमने के लिए ऊपर, आजकल ऊपर ही जा रहे हैं सभी लोग, तो मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। तो जो मतलब अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जो एक कंटेंट है, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, एक कंटेंट है मेरे पास आज, तो उसमें ब्लॉग बना रहा हूँ, तो जो अपने गाँव की मतलब हित में है। खैर तो अभी दिखाता हूँ मैं ऊपर में जाके, स्कूल के सामने वहाँ पे काम हो रहा है कुछ है, तो वो वहीं पे जाके दिखाऊंगा कि क्या काम हो रहा है। पहले बता दूंगा तो वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी, तो इसलिए वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा भी कि काम क्या हो रहा है। तो बनी रहना मेरे साथ लास्ट तक, तब मिलते हैं ऊपर में। तो आज मैं मतलब अभी ऊपर आ रखा हूँ सड़क में, और यहाँ पे मतलब पहुँच चुका हूँ, और आज मैं हिंदी में बोलूँगा और गढ़वाली में बोलूँगा। यहाँ पे दोनों भाषा वाले लोग हैं, और यहाँ पे तो मेन झारखंड वाले हैं, अभी आ रखे हैं, जो मतलब हमारे गांव में पानी का टैंक बन रहा है, जो अभी जो हर घर नल और हर घर जल योजना है शायद से, तो उसके तहत ये काम हो रहा है। तो अभी पूछेंगे हम जो आ रखे हैं काम करने के लिए बाहर से लोग, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये भाई लोग लग रखे हैं काम पे, और इनसे पूछूंगा मैं जो मतलब जो कुछ भी होगा। कहाँ से भाई आप लोग? हम लोग झारखंड से हैं। झारखंड से? झारखंड कहाँ से? दुमका डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, दुमका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या आपका? नाम माय नेम इज अमर पुजार। अमर पुजार, और ये आपके लोग मतलब ये चारों भाई लोग तुम झारखंड से हो? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड में? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कितने साल से रहते यहाँ? हम लोग तो ऐसे बहुत दिन से आ रहे हैं, लॉकडाउन में ऐसे घरे में थे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ आ गए? हाँ, इसके बाद आ गए। उससे पहले भी यहीं थे? हाँ, इससे पहले भी थे। अच्छा, तो कितने साल हो गए काम करते करते? हम लोग का ऐसे हो गया 5-6 साल। 5-6 साल, उससे ज्यादा बल्कि कम नहीं। अच्छा, और ये भाई जी भी है, ये भाई जी भी काम कर रहे हैं, सब काम पे लगे हुए हैं अभी। हाँ। और अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, जो कि मतलब टैंक बन रहा है यहाँ पे ऊपर, देख सकते हैं आप लोग, जो मेरे गांव के लोग देखेंगे, यहाँ पे बन रहा है टैंक स्कूल के सामने। ये प्राइमरी स्कूल है और इसके ऊपर में टैंक बन रहा है, ये अभी बुनियाद बना रखी है इधर, और यहीं पे रोड है, जो रोड से मतलब 2 कदम नीचे है, और यहाँ पे पूरा सामान सामान रखा है यहाँ पे लोग इन्होंने, और यहीं मतलब अच्छी व्यवस्था कर रखी है यार। यहाँ रहते भी स्कूल में है ये, मतलब 1-1.5 हफ्ता हो गया इनको आए हुए यहाँ। और अभी जो मैंने मतलब पूछा इन भाई लोगों को, झारखंड से हैं, और झारखंड से मेरा एक फ्रेंड भी है, वो अब नाराज़ हो रखा वो मेरे से कि बोल तू गढ़वाली गढ़वाली में ब्लॉग बनाता है, इसलिए मैंने आज हिंदी में ब्लॉग बनाया, और वो भी झारखंड का ही है। तो अभी जो मतलब अब मैं गढ़वाली में बोलूँगा अब इसके बाद, अभी जो मतलब एक स्कीम चाहिए तो काफ़ी अच्छी है, क्या मकामा बंद पानी का भी मतलब गर्मियों में पूर्ती। खैर तो जो एक नरेंद्र सिंह ने गाँव बिच कि बोले क्या रूढ़ी के होंद पानी नीचे बूंद फिर आई च योजना वाले देखा अब क्या होंद, तो यह भी मतलब वही हाल जना मन गाँव में तीसरी बार पानी आनु शायद से मतलब तो पानी तो भेजा हूँ खैर, पर रोज क्या कि मतलब गर्मी मतलब स्रोत ही सुख ज़्यादा तब कैल भी खेकन खैर मतलब मरु जो पानी आँद स्रोत बटिया आँद, तो अब यू मतलब दूसरा स्रोत बटिया गदना बटिया तो वह बड़े दिखला पानी मतलब गर्मी में कन रहा और अभी काम शुरू फिलहाल, तो वहाँ का बाद अभी काफ़ी लंबू चलो मतलब लंबा टाइम तलक है, अभी लाइन वाइन बिछा अभी गाँव का मच्छी बनो टैंक और 2 टैंक और बनया छे वो छ गाँव का ताल बनया मतलब एक गाँव का बीच में बनु तौल और एक ओखे बनु जखम बटी की पानी मतलब सप्लाई हो, तो बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ के बाद पता चलो तभी मतलब गर्मियों में जब पानी कैमरा नहीं पानी कमी पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी हमारे गाँव में, तो अभी एक चीज़ यहाँ से हॉर्स छकड़ो मिल दूँ कि जो मतलब वो जी क्या बोल देने रोजगार जब झारखंड बटी या कह सकते इनका नोखने की, तो हम क्या नहीं कह सकते नहीं था कि जो हमारा उत्तराखंड लोग छे तो वो भी कह सकते ये काम दे, जो वहाँ को ठेकेदार बच्चे वो भी गढ़ोली छेने वो टीरी का छे तो निछा भी है कम वो भी गढ़ोली छे, तो बड़ी अच्छी बात है।
मतलब ठेकेदार भी गड़ल छे पर लेबर जो उनकी छे ना मतलब झारखंड बटीन छे, मतलब लेबर अपनी भी सकती है खे भी सकती पर जो चीज हमारे उत्तराखंड आलू होंगे कि काम कर सके वो नीचे मतलब ऊँचा जाऊँ बस देश चाहू दिल्ली यार बम्बई चंडीगढ़ ठीक है। अगर तुमने उत्तराखंड में यू रोजगार यू रोजगारी चाहिए हिसाब से रोजगारी करो यहाँ छिक बड़ी अच्छी बात हूँ भी पर क्या करना उत्तराखंड तो यहाँ के वजह से हमारा प्लान हो लोग उत्तराखंड में काम करने तैयार नहीं। अब थोड़ा खेती खेती भी कहीं रही अब थोड़ा इन काम भी नहीं रहा चल ही जाऊँगा अपन मतलब बाकी गाँव में तीन चीज काफ़ी कुछ जो मतलब लिखने जरूरत भी नहीं रही जो गहरता भी हो जाऊँ और खेती तो बांझ पड़ी जे तो खेती भी रहनी तो काफ़ी कुछ जो चीज कि मतलब रहा तब तो आप क्या बोल सकता खैर और जो चे रोजगार को साधन भी एक हिसाब से अब ठेकेदार से गाँव का छन तो बड़ी अच्छी बात है मतलब तुमने थोड़ी देर पहले बताई जे कि अब जो लेबर भी रहनी गाँव की रहनी पर गाँव की नहीं छे अब मतलब हम ये काम तो हम भी कह सकते हैं पर अब खैरूँ की देवर लगी अलग बात पर जो गाँव में हो लोग जान जो तो लगी देश जाने की देश चली गई नहीं और वो भी कह सकते नहीं पर क्या कहना उत्तराखंड हमारे यहाँ का पैथर मतलब पैथर यहाँ का वहाँ हमारा हमारे पैथर जाऊँ जाऊँ उत्तराखंड तो अब क्या होना कुछ नहीं बोल सकता खैर तो अभी जो जे जो मतलब जो हमारे उत्तराखंड और दस से ज़्यादा रोजगार थे नेपाली और बिहारी और यूँ की मतलब झारखंड और यूँ की मतलब पकड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जो मकान भी बनाना था आजकल तो मतलब बिहारी लोग ज़्यादा ज़्यादातर बनाना सड़क 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 में काम करना चाहिए नेपाली काम करना है या फिर जो मतलब जो खेती में भी काम करना चाहिए तो वो भी मतलब नेपाली लोग ज़्यादा मतलब काम करना चाहिए तो ये काम तो हम कितना नहीं कह सकते हमारे उत्तराखंड लोग कितना नहीं कह सकते तो मतलब एक प्रश्न ये चीज़ और यहाँ के पैथर बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी तो क्या खैर आजकल आज जमाने में कोई करनी चाहूँ से लोग देखना चाहते बस देश जाने और 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिले 20-25 हज़ार आदमी गाँव में भी कमा सकूँ पर थोड़ा तरीका होना चाहूँ से जरूरी नहीं तुम मतलब कि पहले पैसा हो तभी तुम कुछ खर्च कह रहे तुम दिमाग मतलब जैसे दिमाग हो दिमाग से काम कह रही पैसा भी कमा सकूँ थोड़ा बहुत लगान भी पुट नहीं मानी जे पर इन जी की सरकार भी कर दी है कोशिश पैसे बटी सरकार भी खर्चा कर दी है कि तुम एक बार कोशिश करो पर फिर भी कोई कोशिश करने तैयार नहीं जे तब दिख जानता अब क्यों होंगे और पानी पाने चाहिए अभी तो मतलब काम हो एक टैंक तो बनी गदने समनी और जो जख हमारे गाँव की नर्सरी से तो वह वहाँ का ताल बटी की जो पानी और जो दूसरा टैंक बनो वो नामा भोलामा बनो तो नामा भोलामा भी काम चलो जब यह भी काम चलो और अभी मतलब काफ़ी लंबू से काम तो अभी लाइन लून बिछाली पानी की फिलहाल अभी मतलब खेती में जो सारी भरी जी ने वहाँ की वजह से काम रुकू भी मतलब जो सारी पाइप लाइन बिछाली तो तब अभी मतलब काम चलो लो काफ़ी लंबू इनकी दिक्कत नहीं जबर तक ही वाला अभी गर्मी में खैर अभी गर्मी आने में टाइम चाहिए अभी तक ये गर्मी में टाइम नहीं आई दूसरी गर्मी आने में टाइम तब तक ही पूरा काम फिनिश और आज देख सकता हूँ घाम भी लगी चक मस्त और बादल भी लगे हैं जिनका कक्का की और ये नज़ारा देख सकता हूँ आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे गाँव को और चल रहा तब अगने घूमने की रोड़ी रोड डेमरी जना डोला मथे रास्ता और आज फिर आ गया खराब अग्नि तबीयत खराब होनी चाहिए भी जान दिनों बटी ब्लॉग में दिखा नहीं लाइक में दगड़ी और मतलब काफ़ी सीरियस हुई हो सीरियस मैटर होनी चाहिए एकदम से घास कहीं से रुकने कहेगी तब थोड़ा बीमार हुई हो तब चलना अभी अगने अगने घूमने पुणे अभी हर गाना से साइल सुई लाने वाला बाकी जब आया छ लड़का तो मिला तुम दे तब थोड़ी देर बाद और ये यहाँ पे मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जो मतलब पवन भाई को छोट पवन भाई तो अभी एक महीने से आया हूँ मतलब दिल्ली में भाग रहा था पर जो और लड़के हैं वो काफ़ी टाइम से भाग रहे हैं अब मेरी तो खैर भर्ती है नहीं तो अब देखेंगे तब बाकी भर्ती में तो जाऊँगा मैं खैर ट्रेड ट्रेड की मानने के लिए थोड़ा देखने के लिए पर अभी मतलब लड़कों को सिखाऊंगा मैं ना क्योंकि हमारे गाँव में अभी नए मतलब जो है अभी नए नए भर्ती वाली है जो कि मतलब जिनकी पहली पहली भर्ती थोड़ा उनको गाइड करने के लिए जाऊंगा मैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये पंजर धार है यहाँ पे मतलब भर्ती की तैयारी करते हैं लौंडे और जो मतलब काफ़ी लोग मतलब लड़के लोग यहाँ से भर्ती भी होके जा चुके हैं और ये देख सकते हैं आप अभी पहुँच चुके हैं लड़के यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कैमरा मतलब इतना साफ नहीं है लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ और ये देख सकते हैं आप लोग रिगली का बोला
कई लोगों को तो ये बोला याद आ ही रहा होगा क्योंकि यहाँ होती है हमारे गांव की पार्टी, क्योंकि यहाँ पे पानी पानी की सुविधा भी है और काफ़ी अच्छी लोकेशन भी है कि मतलब कोई ज़्यादा चित हो जाता है पी के तो यहीं सो सकता है, और यहाँ से घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर अच्छी मतलब लोकेशन काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो आप। और हम भी मतलब होली की पार्टी या वैसी पार्टी भी होती है तो यहीं मनाते हैं ज़्यादातर। ये है रिगले का बोला, और यहाँ मतलब लोगों के खेत भी थे पर जो अब बंजर हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये रिगली बोले की। और ये यहाँ से दिख रही है हमारे गांव की नीचे वाली सड़क जो यहाँ पे है, जूम करूँगा मैं देख एक बार, ये वाली है नीचे वाली सड़क और मैं अभी हूँ ऊपर वाली सड़क में, और यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। ये दिख रहा है थोड़ा सा आरी दिख रहा है, ये पाल सेना शायद पाल सेना घोड़ीखाल के सामने है, और बाकी तो यहाँ से कुछ दिखता नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है और मौसम भी हो रखा है काफ़ी ख़राब हो रखा है, घाम भी लग रखा है कहीं और कहीं बादल लग रखे हैं, साल का ब्यूर लग रहे हैं ऐसे। और जो जे की मी हूँ तो नरेंद्र सिंह नेगी को बहुत बड़ो फैन छो, पर जो मतलब एक गाँव जमीन तुम तो सुनिया दुई लाइन है, पर अभी एक और गाँव सुन दो कि जो गाँव लगे जे मेरा डांडी कांटियों का मुल्क जारी तो बसंत रितुमा जली, तो बसंत रितुमा तो ऐली पर जो है कि अभी बस क्याल रितुमा भी जरूर आई, चले आजकल जो है मौसम और पहाड़ जो दिखने लेकर यहाँ चल हैरा बहरा, तो बस क्या रितुमा भी जरूर आई। तो धन्यवाद जो तक अभी लोग सुन दिल्ली वाला तो जरूर कह रहे हैं टाइम से, तुम्हारे इंतजार रखना चाहिए पहाड़ और दिखना था तुम, पर तुम तो याद आनी चाहिए मुझे तो पता चल, कई लोग बोले कमेंट में बोले एक शैतान भाई भी छो जो कि बुनु छो बोले तेरी वीडियो बल मैं इन लोग तो बोले कि मैं गाँव में छो, पर कई लोग सुन हरी भी जो तो कमी महसूस नहीं होना मैं गाँव की, तो बनी रहा अगर हमें दगड़ी वीडियो देखे कर पूरी तब थोड़ा मजा भी आल तुम देगी, और अभी थोड़ा हराना से लड़का लोग घूमती घूमती तब उन दगड़ी भी मिलला। धन्यवाद।